दोस्तों, मैं आपके लिए एक ये नया ब्लाउज डिजाइन उलन टॉप का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए दोस्तों, ये डिजाइन यहाँ से शुरू होता है, ऊपर से, यहाँ से ऊपर से शुरू होता है और ऐसे यहाँ तक तो होगा। ये देखिए मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को, और ये डिजाइन भी बनाने की कोशिश करूँगी पूरी पूरी। और दोस्तों, मैं ये मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए दोस्तों, मैंने कैसे बनाया, शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए दोस्तों मैंने होसवाल की ऊन ली है जो अट्टी में आती है, मैंने गोला बना लिया। और मैंने ये वाली, ये 12 नंबर की सिलाई ली है, एक सिंपल वाली। मैंने इस पर 96 96 फंदे डाल लिए। और इसमें दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी ये जो गले में लगाते हैं, 4 सिलाई की। और इसके बाद जैसे ये वाली, ये यहाँ से और यहाँ तक, तो ये 4 सिलाई में होगा। और आगे ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को ये वाली तार वाली सिलाई की। ये मेरे पास 11 नंबर की सिलाई है दोस्तों, आपके पास अगर 10 नंबर की हो तो 10 नंबर की सिलाई में आप इसे बनाना। मेरे पास 10 नंबर की सिलाई नहीं थी तो मैंने ये 11 नंबर की सिलाई ले ली। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों ये वाले, ये दो फंदे सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा ऐसे डले हुए हैं, ऐसे ही हमें इसमें डालने हैं। और हमें ये एक सिलाई बनाने के लिए रखनी है, और ये 3 सिलाई पे ये हमें ये सारे फंदे उतार लेने हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप शुरू जो सबसे पहला फंदा है ऐसे, इसे उतारना नहीं है, इसे बुनाई करनी है। दोस्तों देखिए, अगर आप इसे उल्टा बनाते हो तो सबसे लास्ट में फंदे 2 सीधे के आएंगे। अगर यहाँ पर आप 2 सीधे बनाओगे तो लास्ट में एक फंदा उल्टा आएगा। यहाँ पे देखिए, 2 फंदे सीधे, और ये सीधा सीधा ही चलेगा, गोल गोल चलेगा। तो ऐसे ही सीधा सीधा ऐसे 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 घूमेगा। देखिए ये 2 फंदे सीधे और एक ये फंदा उल्टा। और ये 2 फंदे सीधे और एक ये उल्टा, 2 फंदे सीधे। और दोस्तों, वीडियो स्किप करके ना देखे करें, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो को स्किप करके ही बनाती हूँ। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो डिजाइन का पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत किया करें वीडियो। तो दोस्तों, जैसे मैं इस पर कुछ फंदे इस पर उतार लूँगी फिर दूसरी सिलाई पर, तो मैं ये बनाकर, इस सिलाई वाले बनाकर दिखाती हूँ। ये दोस्तों, मैंने ऐसे ही अंदाजे से ये फंदे बुन लिए, इस तरफ उल्टा आया। अब सीधे हम दूसरी सिलाई पर चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दो सीधे एक उल्टा, और ये 2 सीधे। तो दोस्तों, मैं ये भी बनाकर आपको तीसरी सिलाई पर दिखाती हूँ कैसे चढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक उल्टा कर लिया और अब ये 2 सीधे, तो ये तीसरी सिलाई पे बुनाई होगी।
एक और ये दो। ये उल्टा, ये भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। और जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी तब दिखाती हूँ आपको। एक सीधा हुआ, दूसरा फिर सीधा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये भी बुनाई कर ली। लास्ट में मेरे दो सीधे आए हैं। यहाँ पे शुरू में एक उल्टा था तो लास्ट में दो सीधे। अगर शुरू में दो सीधे करेंगे तो लास्ट में एक उल्टा आएगा। तो देखिए अब ये मैंने कर लिया। अब दोबारा फिर ऐसे ही जो उल्टा है वो उसे उल्टा ही करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा ही बुनाई होगी ये। ऐसे इस चौथी सिलाई में आप सिलाई से ऐसे करोगे। धागा अपनी तरफ किया और ये बना लिया उल्टा, और ये दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे। दोस्तों ये सिलाई आपको सीधे सीधे में ही उल्टा की तरफ, हम जैसे नॉर्मल बुनाई करते हैं हम उल्टे की तरफ आते हैं, ऐसे नहीं आना। इसमें गोल गोलाई में उल्टा उल्टा ही, सीधे सीधे की तरफ से ही करना है। तो दोस्तों मैं इसे आपको छह सिलाई बनाकर फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने ये छह सिलाई निकाल ली। जो ये छह सिलाई निकाली है, और जहाँ ये शुरू से एक उल्टा फंदा बना था, इसे भी हम इसी इसमें बना लेंगे ऐसे। तो अब देखिए फंदा पीछे, अब ये तार वाली सिलाई पर चढ़ाएंगे। ये दो सीधे, ये सातवीं सिलाई है, और जो ये एक उल्टा था, अब एक उल्टा और एक और उल्टा बना देंगे। ये दो उल्टे हो जाएंगे। अब दो सीधे दो उल्टे होंगे, यहाँ पर फंदा बढ़ेगा। दो सीधे और दो उल्टे, देखिए ऐसे और ऐसे, यहाँ पर फंदा बढ़ गया। दो सीधे। तो दोस्तों देखिए ये ऐसे ही बनता चले जाएगा। सातवीं सिलाई पर ये दो सीधे दो उल्टे हो जाएंगे, और ये हम बॉर्डर बनाएंगे ऐसे ही। दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ तक। यहाँ तक देखे दो, फिर यहाँ पर तीन सिलाई डाल के या चार सिलाई डाले, क्योंकि मेरी ये 12 नंबर की सिलाई है, इसलिए मुझे ज़्यादा सिलाई निकालनी पड़ेगी। अगर आपकी 10 नंबर की सिलाई है, यहाँ से यहाँ तक मैंने छः बनाई है, सातवीं में दो सीधे दो उल्टे किए। अगर आपकी 10 नंबर की सिलाई है तो आप यहाँ पर चार सिलाई के बाद पांचवी सिलाई में दो सीधे दो उल्टे बनाएंगे, और मैं उसके बाद फिर यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा लेंगे। जैसे तीन यहीं पे, जो ये वाला है दो है, ये फंदे नहीं बढ़ेंगे यहाँ, ये ऐसे ही चलेंगे। बढ़ेंगे फंदे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो, फिर तीन हो जाएंगे यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आगे कैसे किया, कुछ तो मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक बनाना है ये ऐसे। तो चलो दोस्तों आगे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी ही दिक्कत आ सकती है शुरू शुरू में, तो आप ऐसे इस तार को ऐसे निकाल लें बीच से, और ऐसे ये कर लें। ये
बिल्कुल ही सेट बनता चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कोई अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना, 4 या 5 सिलाई बाद ये 2 का सीधा, 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे ही चलेंगे। मैंने 1 सिलाई कंप्लीट कर ली इसकी, ये 2री सिलाई है जो मैंने फंदा बढ़ाया था। ऐसे फिर ये बनाकर फिर दोबारा फिर ऐसे ही निकाल कर फिर जब इसमें फंदे बढ़ जाएंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। जहाँ जहाँ पर यहाँ कठिनाई आएगी बनाने में, मैं वहाँ पर आपको बताते रहूँगी कि कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस जो ये यहाँ पर फंदा बढ़ाया था, 2, 1 उल्टा था, तो यहाँ पर 1 फंदा बढ़ाकर 2 उल्टे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे ये 4 सिलाई निकाल ली, ये मैं 2 भी निकाल लूँगी। अच्छा, पूरी 4 सिलाई हो गई यहाँ से, देखिए यहाँ से। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 4 सिलाई निकाली, अब यहाँ 5वीं सिलाई है, फंदा बढ़ने वाला है, जो फंदा बढ़ाया था उसके वाली 5वीं सिलाई। तो ये 2 सीधे ऐसे ही चलेंगे और ये 2 उल्टे थे, तो यहाँ पर ये 3 उल्टे हो जाएंगे, ऐसे 2 सीधे। आप इसे कैसे भी बढ़ा सकते हैं, 1, 2 और यहाँ पे ये 3। तो दोस्तों अब हम इसे, जैसे हमने 2 सीधे और 3 उल्टे, तो ये हम कम से कम 2-2.5 इंच तक ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाते चले जाना है। पहले हम इसे 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे थे तो वहाँ पर 1 फंदा बढ़ जाएगा, तो 3 उल्टे हो जाएंगे, 2 सीधे 3 उल्टे। तो ऐसे ही ये सिलाइयाँ 2-2.5 इंच तक बना लेंगे यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, तब आपको ये बताती हूँ आगे कैसे करना है। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसे पार्ट 1 में ही बना दूँगी, और मैं अगला जो आगे बताऊँगी तो उसे मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी आगे क्या करना है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इतनी मेहनत करते हैं तो आपको तो सिर्फ लाइक ही करना है ना। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक यू दोस्तों।